गोली किसने चलाई? हेलो हेलो पापा। हेलो मामा आते हैं? हो सकता है आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाह रहा हो। जब कोई अधूरी इच्छा लिए इस दुनिया से चला जाता है तो EDC के माध्यम से अपने आप को कम्युनिकेट करना चाहता है। सबसे करीबी लोगों के सपनों में आना, उनकी आवाज़ सुनाई पड़ना, टच महसूस होना, खुशबू तक आना। मिसेज अनवर अजीब अजीब चीज़ें नोटिस की हैं। आफ्टर ऑल पीपल वॉन्ट टू कम्युनिकेट इवन आफ्टर डेथ। ये औरत की मदद कैसे कर सकते हैं? ये अपने बेटे को दफनाना चाहती है। किस औरत की बात कर रहे हो? ना जो सामने खड़ी है ना वो औरत। यार यहाँ पे तो कोई औरत नहीं है। चल यहाँ से, चल जल्दी चल। अरे उसे हमारी जरूरत है ना। क्या तू रुक मत यार, चल तू चल। अरे चल ना बाबा, चल तू आगे चल। एक बूढ़ी औरत की आत्मा यहाँ अक्सर घूमती हुई नजर आती है। वो औरत दरअसल एक घोस्ट है। जिस बॉडी को वो डाइसेक्शन करने वाला था वो दरअसल उस बूढ़ी औरत के बेटे की लाश थी। बूढ़ा आदमी डेड बॉडी वाले लड़के का बाप है और उसी ने अपने बेटे को मार कर उसे एक्सीडेंट बना दिया है। बाप बेटे के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। बेटे की मौत के 2 महीने के भीतर ही माँ भी सदमे से चल बसी। बाप ही अकेला बचा था, शायद इसीलिए उस बूढ़े बाप के शरीर पर वैसे ही मार्क्स थे। आपके इसी गुनाह की वजह से आप यहाँ तड़प रहे हैं और वहां तड़प रही है आपके बेटे की आत्मा। आप अपना गुनाह कबूल कर लीजिए और हम सबको अपनी अपनी मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। हाँ मैंने ही बाप डाला अपने बेटे को, इन्हीं हाथों से मैंने गला घोड़ दिया उसका, इन्हीं हाथों से। गर्व और उसके दोस्तों ने उस बॉडी का पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया, पर उसके बाद वो बूढ़ी औरत उसे फिर कभी नहीं दिखी। शिवांगी घोष के रूप में वहां सिर्फ इसलिए थी कि वो अपने पेरेंट्स को सच्चाई बता सके। उसके बाद शिवांगी फिर कभी नहीं लौटी। बाद में ऋषभ और जानवी ने पंडित को बुलाकर ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या उनकी प्यारी बेटी की आत्मा अब भी वहां पर है, पर शिवांगी वहां कहां थी? उसका काम पूरा होते ही उसकी आत्मा को शांति मिल गई, फिर वो वहां नहीं थी। तो फैज ये कहना चाहता था कि वो अव्वल नंबर से पास हुआ है। एक छोटे लड़के की छोटी सी ख्वाहिश और अपनी माँ की नज़रों में खुद को साबित करने की कोशिश उसे दुनिया से जोड़े रही। गरीब ने जैसे ही रिपोर्ट कार्ड देखा वो समझ गई कि वो उसकी आंखों में अपनी समझदारी की चमक देखना चाहता था। जरीन रो पड़ी, पर जो आंसू निकले वो अपने बेटे पर फख्र के आंसू थे। उसके बाद फैज जरीन को कभी दिखाई नहीं दिया। वो शायद अपनी माँ की नज़रों में एक समझदार बेटी की तरह जिंदा रहे।